के खिलाफ यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए पश्चिमी देश लगातार बड़े से बड़े हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अब यूक्रेन को खूंखार लड़ाकू विमान F-16 मिलने जा रहा है। दरअसल रूस की सेना आसमान से यूक्रेन पर हमले कर रही है और यूक्रेन की एयरफोर्स इन हमलों के आगे पस्त पड़ती जा रही है। लेकिन अब नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को F-16 फाइटर लड़ाकू जेट दे रहे हैं। ये दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन लंबे समय से F-16 फाइटर जेट की डिमांड भी कर रहा था। आपको बता दें कि यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डेनमार्क और नीदरलैंड यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेज देंगे, और ये ट्रेनिंग इसी महीने से शुरू हो रही है। इस सब के बीच रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को बेअसर करने में F-16 लड़ाकू विमान एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाकू जेट किसी भी मौसम और दिन या रात में अपने टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकते हैं। F-16 लड़ाकू विमान की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर होती है। ये 15,235 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। इनका वजन 9.2 टन है और एक बार में ये 21.7 टन तक वजन उठा सकते हैं। F-16 लड़ाकू विमान की रेंज 4,200 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट 2,145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं। F-16 पर लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर तक है। इस फाइटर जेट का राडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का कहना है कि F-16 से यूक्रेन कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसे ये विमान मिलेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि रूस की पांचवी पीढ़ी के विमान सुखोई 35 के सामने F-16 कितना टिक पाएगा।